इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी एकता। भयंकर परी, आपको पहले इन सबको अलग अलग करना होगा और फिर एक एक करके इन सबको अपने दल में शामिल करना होगा। तो ठीक है, इन्हें अलग अलग करने की शुरुआत मैं अभी से कर देती हूँ। ऐसे कैसे हो गया? वही जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। कोई गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है। तुम्हारी आंखों में उसकी जांच कराओ। ओ वकील साहब, मेरी आंखें एकदम दुरुस्त हैं। तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा? मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी जबान खराब होगी? दिखाओ। मैं नहीं दिखाता जबान। मैं कानून का रखवाला हूँ, मुझे जबान खुलवानी आती है। कैसे? ऐसे। कितनी गंदी जबान है तुम्हारी, झूठ ही झूठ लिखा इस पर। ओए मैं ये सब मानता ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये पेपर मैंने खुद चेक किए थे। अच्छा चलो आपकी बात मान भी ले वकील साहब, तो इस पे तारीख क्या डली हुई है? 3 मई। और 3 मई मतलब आज? अगर आज तक इन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए ना, तो इनका मकान मेरा। पैसे ये दे नहीं पाएंगे, मकान मेरा। जरा दिखाओ उसमें क्या लिखा है। दिखा दे मानवानी। पढ़ो पढ़ो। और वकील साहब ये कागज देख के क्या हंस रहे हो? मैं कागज देख के नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हें देख के हंस रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आखिरी तारीख 3 मई 2015। यानी इनके पास अब पूरा 1 साल है तुम्हारा पैसा वापस करने का, और तब तक तुम इनसे इनका घर नहीं छीन सकते। ओए, एक मिनट। ओए मेरे को गड़बड़ लग रही है, इस सब में तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। ओ वकील साहब, आप मेरे को वकील साहब कम जादूगर ज्यादा लग रहे हो। ओए इनका घर छीनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने बुला लिया? इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई, मगर हमारी नजर तुम पे थी हैप्पी सिंह। पर देखो इंस्पेक्टर साहब, देखो तुम हैप्पी सिंह, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है। अगर पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम इन्हें इनके घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन आप इन्हें यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं। वो तेरी है हैप्पी सिंह। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ भाई साहब मेरे से गलती हो गई, ये सामान आप अपने आप अंदर रख लेना। ओए मानवानी, ओ चलो यहाँ से चल निकल बराबर। ओए चलो, मैं तुम्हें जरा पुलिस चौकी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, चले जाएंगे अपने आप। चलो चलो चलो। अरे मैं कानून का रखवाला हूँ। स्मिता, बाबूजी, अब हम अपने घर में ही रहेंगे। अब पूरा परिवार फिर से इस घर में खुशी से रहेगा। ये! देवा, तुमने शांता के बारे में जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपनी आई के लिए किया। तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो देवा। तुम्हारा परिवार जहां भी होगा उसे तुम पर हमेशा गर्व होगा। थैंक
परिवार कहाँ है ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ वापस मत आना। आया नहीं मैं इस बार अकेला, बल्कि है मेरे साथ कोई और भी। नटखट परी, नटखट परी। बालवीर, नटखट परी बताइए इसे कि है ये बालवीर। देखो पहले तुम डुबा डुबाए, हाँ, और अब ये नटखट परी। मैं परीलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। अच्छा तो ये लो। और ये भी बालवीर। अब बोलो, अब तो विश्वास हुआ कि मैं एक परी हूं? हाँ मुझे विश्वास हो गया कि आप एक परी है, पर मैं आपका बालवीर नहीं हूं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर ये असाधारण शक्तियां कहां से आई? वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानती हूँ और अब तुम भी जान जाओगे कि तुम बालवीर हो। लेकिन क्यों बालवीर, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो आओ। अरे आज से तुम लोग यहाँ नहीं खेलोगे, समझे? पर क्यों? क्योंकि ये जयवीर की इच्छा है। आज से पृथ्वी लोक पे बच्चों का खेलना मना। तुम लोग ऐसे नहीं मानो, देखो मैं क्या करूं। ये मेरा बेटा है। ये जयवीर यहाँ कैसे आया? जयवीर कौन है? हमारा तुम्हारा परीलोक का और बच्चों का दुश्मन, भयंकर परी का है ये साथी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब परीलोक, ये समय कुछ समझाने का नहीं है बालवीर। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊँ? वो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है और मैं यहाँ से चले जाऊँ? मैं कायर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ बालवीर, तुम कायर नहीं बल्कि एक शूरवीर हो। लेकिन इस समय मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि अगर इस जयवीर ने तुम्हें देख लिया या पहचान लिया कि तुम बालवीर हो, तो पूरे परिलोक पे विनाश के बादल छा जाएंगे। लेकिन बालवीर, तुम्हारे दोस्तों की परवाह मत करो, उनकी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इस समय तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तो बड़ू भाई समझाओ इसे। बालवीर देखना पाइए जयवीर तुम्हें सही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। और हाँ बालवीर, हाँ, किसी भी हाल में तुम जयवीर के सामने मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जाओ बालवीर जाओ। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना वरना बहुत मारूंगा। मुझे यहाँ मेरे किसी दुश्मन के होने का संदेह क्यों हो रहा है? बुराई अच्छाई के सामने अपने घुटने दे टेक, गायब हो जाए मैं और डूबा डूबा एक। बालवीर, वो बालवीर जैसा क्यों लग रहा है? बालवीर यहाँ कैसे हो सकता है? और वो बच्चा भाग क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़, मुझे जाके देखना चाहिए।
और परियों में विश्वास नहीं रखता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतनी असाधारण शक्तियाँ कहाँ से आई? कैसे आए? हमारा तुम्हारा परिलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतनी असाधारण शक्तियां कहां से आई? क्यों सुनाई दे रही है मुझे आवाजें? क्यों? तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी, पृथ्वी पे भलाई कायम रखनी और भयंकर होने के बुरे इरादों से पृथ्वी लोक की रक्षा करनी। चलो अंत भला तो सब भला। आज पहली बार हैप्पी के जाने से हम हैप्पी हुए हैं। और पापा, ये सब कुछ उस वकील अंकल की वजह से हुआ है। अरे हाँ महेश, हमें उस वकील को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे उसका नंबर दीजिए ना, आप भी फोन करते। विदा, अरे वो नंबर मेरे पास नहीं है, उसे तो बापूजी ने बुलाया था। बापूजी के पास होगा। बापूजी, ये मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझे तो लगा तूने बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगा आपने बुलाया। एक मिनट, तो वो था कौन जो चुपचाप हमारी मदद करके चला गया? जरूर कोई भला आदमी होगा, भला काम करके चला गया। पापा, ये बल्लू किसका भला करने चला गया? बेटा, अपने चाचा के यहाँ गया होगा। यहाँ जो जो कुछ हुआ ना, वो बताने गया होगा, है ना? पर हास्मिता, इस बात पर खीर तो बनती है। तुम ठीक तो हो ना बाल? मेरा मतलब है देवा, तुम ठीक तो हो? देवा नहीं, बालवी। हाँ नटखट परी, मुझे सब याद आ गया है। तो फिर इटली? बिटली आ गई तितली। पालवीर, मेरा मित्र पालवीर। हाँ क्या, तुम्हें सब कुछ याद?
खुश रहो नटखट परी, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर। शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। हाँ नटखट परी, लेकिन अब बारी है भयंकर परी और जयवीर को उनकी गलतियां याद दिलाने की। अब मिल जाएगी परीलोक को फिर से आजादी उस भयंकर परी के बुराई के रास से। लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिलना चाहिए। शुक्रिया नटखट परी। भयंकर परी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्यादे जयवीर का भी। आई? हाँ देवा। मैं बालवीर, तेरा बेटा। नहीं नहीं, तू मेरे बेटे देवा का दोस्त है ना? देवा कहाँ है? आई, मैं तेरा ही बेटा हूँ, देवा। ये देवा ही है शांता। लेकिन देवा से पहले ये बालवीर है। जैसे तू उसकी अपनी है, वैसे ये सारी दुनिया उसकी अपनी है। दुनिया का हर एक बच्चा इसका दोस्त है। पर चाहे मैं इस दुनिया के लिए बालवीर, लेकिन तेरे लिए तेरा देवा। और तू मेरी आई, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है। और अब जाने से पहले मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि मैं बुराई का अंत कर सकूं। मतलब तू सचमुच जाएगा देवा? लेकिन अगर तू मुझे अपनी आई मानता है, तो क्यों अपनी आई को छोड़ के जा रहा है? क्योंकि इसकी दुनिया बहुत बड़ी है शांता, और जिम्मेदारियां तो उससे भी बड़ी। पर तेरे लिए इसका प्यार एकदम सच्चा है शांता, इसलिए देख, वो चाहता तो हमसे बिना कुछ कहे भी जा सकता था, लेकिन वो तेरा आशीर्वाद लेने के लिए रुका है, तुझसे आज्ञा लेने के लिए रुका है। अब तू भी उसे रोक मत। हाय। हाय, चलता हूं। बालवीर, चलिए नटखट परी, परीलोक चलते हैं। नहीं बालवीर, भयंकर परी ने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा रखा है। हम इतनी आसानी से परीलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर करेगा कैसे बालवीर भयंकर परी का अंत? बचाएगा कैसे परीलोक को उससे? हम परीलोक जरूर जाएंगे नटखट परी। कैसे बालवीर? हम जल के रास्ते यहाँ आए थे, तो जल के रास्ते से हम वापस परीलोक जाएंगे। चलिए नटखट परी, पहले मैं जाता हूँ, फिर आप आइएगा। ठीक है बालवीर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.